असलम व्यूवर्स, यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि सऊदी अरब में मकीम जो लाखों पाकिस्तानी हैं उनके लिए कौन सी एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। जी हाँ जनाब, सऊदी अरब की वजारत दाखिला के मुताबिक ममलकत में मकीम जिन गैर मुल्कियों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो 1 अगस्त के बाद किसी भी सरकारी निजी जगहों पर उनका दाखिला नहीं होगा। तकरीबात में शिरकत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो सफ़र नहीं कर सकेंगे, उनको इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। आप मुलाजमत कर रहे हैं, कोई सरकारी काम से वाबस्ता है, आप कोई ज़ाती कारोबार है, ऐसे अफराद तमाम दर लोग जिनको जो है वो किसी न किसी हवाले से बाहर जाना होता है, उनको रेस्टोरेंट, कैफ़े, बारबर सैलॉन्स, ब्यूटी पार्लर्स, शादी हॉल में दाखिले के लिए वैक्सीन लगवाने का सबूत पेश करना होगा। इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए भी आपको जो है वो वैक्सीन का सबूत दिखाना होगा। इसके अलावा 9 अगस्त से सऊदी अरब से बाहर सफ़र करने वाले शहरियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाना लाजमी होगा। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक ममलिकत में इस वक्त कोरोना के बचाव की 2,40,00,000 वैक्सीन खुराकें लगाई जा चुकी हैं। इसके अलावा मुल्क भर में जो है वो 600 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो कायम भी किए गए हैं ताकि शहरी और गैर मुल्की तारकीन वतन आसानी से वैक्सीन लगवा सके। तो आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं ताकि आप जो है वो अपनी मामूलाती ज़िंदगी में रुकावट ना आए, वरना 1 अगस्त से आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी।